शाहिद कपूर का कंफ्यूजन, करीना कपूर का एनिमेटेड कैरेक्टर, दूल्हा मिल गया ने की चोरी, सुष्मिता करना चाहती हैं शादी, रजत कपूर और संजय दोबारा आएंगे एक साथ, रणबीर बने द मोस्ट डिजायरेबल मैन। शाहिद कपूर को एक नंबर से SMS आया कि यू आर लुकिंग डैम गुड इन कमीने, आई जस्ट सॉ यू अगेन वीबी। वीबी नाम देखते ही इन्हें लगा कि उन्हें विद्या बालन ने SMS किया है, मगर बाद में मालूम पड़ा कि ये SMS उन्हें विशाल भारद्वाज ने किया था, विद्या बालन ने नहीं। अब पुराने प्यार को कोई कैसे भूल सकता है। करीना कपूर अपनी अगली फिल्म रा 1 में एक एनिमेटेड कैरेक्टर होंगी, यानी उनका एनिमेटेड कैरेक्टर फिल्म में बनाया जाएगा और ये शाहरुख खान का इमेजिनरी लव इंटरेस्ट होगा। इन शॉर्ट, करीना इस फिल्म में सिर्फ अपनी आवाज देंगी, एक्ट नहीं करेंगी। दूल्हा मिल गया का म्यूजिक चुराया हुआ है, ऐसा हम नहीं पाकिस्तान के सिंगर फखरे आलम का कहना है कि फिल्म का सॉन्ग दिलरुबा के जलवे एक्चुअली उन्होंने 9 सालों पहले कंपोज किया था। वैसे ये कोई लीगल एक्शन नहीं लेना चाहते, बस उन्हें इस सॉन्ग का क्रेडिट मिल जाए। सुष्मिता सेन को जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उनके शादी करने के इरादे हैं, तब उन्होंने कहा, जस्ट बिकॉज इट हैजंट हैपेंड टिल नाउ डजंट मीन दैट आई डोंट कंसीडर मैरिज इम्पोर्टेंट। हाँ, बस अभी वो काफी बिजी हैं, टाइम मिलते ही शादी भी कर लेंगी। संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश में हमें ऋतिक और ऐश्वर्या के साथ रजत कपूर और शहनाज पटेल भी दिखाई देंगे। इस फिल्म में रजत कपूर का रोल काफी छोटा है। हमने आपको बताया था कि कटरीना कैफ एक सर्वे के हिसाब से इंडिया की मोस्ट डिजायरेबल वुमन बनी, तो उसी सर्वे में रणबीर कपूर को मिला इंडियाज मोस्ट डिजायरेबल मैन का खिताब। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।